नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकर्स वे पर। मेरा नाम है विशाल परिहार। हर दिन सुबह 7 बजे करते हैं हम लोग द हिंदू एडिटोरियल का डिस्कशन। ये डिस्कशन दोस्तों शुरुआत करते हैं हम आज भी। डेट है दोस्तों 1 तारीख, 1 नवंबर है, नया महीना शुरू हो चुका है। लास्ट पूरे अक्टूबर के मंथ में कई सारे आर्टिकल्स थे, डेवलपमेंट्स कई सारे हुए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हुए और डोमेस्टिक काफी सारी चीजें हुई। नई चीजें अचीव जो हम लोगों ने करी, वो वैक्सीनेशन में 100 करोड़ जो यूथ है उसको वैक्सीनेशन लग चुका है, ऐसी करके कई सारी चीजें हमने देखी। कुछ खराब चीजें भी थी जो कि सोशियो इकोनॉमी को लेकर थी, हमारी सोसाइटी को लेकर भी थी, वो भी हमने पढ़ी। साथ के साथ पेगासस वायरस को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एंड में डिसीजन भी आ गया कि भैया इसको लेकर इंक्वायरी दी जाए। तो अपने पास कई सारे डेवलपमेंट्स है, कई सारे मोटे मोटे पॉइंट्स है जो कि हम लोगों ने लास्ट मंथ कवर किए, उसी से रिलेटेड रिलेटेड अब आगे हमें देखने को मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं दोस्तों सेशन को बढ़िया पॉजिटिव मोटिवेशनल कोट के साथ। देखो कितनी शानदार बात कही गई है यहां पर, हर जलते दिए तले अंधेरा होता है, हर रात के पीछे एक सवेरा होता है, लोग डर जाते हैं मुश्किलों को देखकर, पर हर मुश्किल के पीछे सफलता का सवेरा होता है। ये बात बिल्कुल सही है। जब जब हमारे सामने मुश्किलें आती हैं, इस लाइन को याद रखो, कहीं भी दया दिया जल रहा है ना, उसके नीचे अंधेरा ही हमें दिख रहा होता है, लेकिन थोड़ा सा अगर कोई उठकर आगे देखेगा तो कितना ज्यादा उजेला है वो उसी को पता चलेगा जो थोड़ी मेहनत करके आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। आज आपके सामने जब दिक्कतें परेशानी समस्या आती हैं, समझ जाओ थोड़ी सी और इनको सहन करोगे और धीरे धीरे अगर ओवरकम करने की कोशिश करोगे, मेहनत करोगे, तो आगे चलकर आपको कुछ अच्छा ही मिलेगा। और ये हर बार होता है, ये हर बार होता है दोस्तों। इसी चीज को दोस्तों याद रखिएगा, हमेशा बहुत आगे जाओगे। इसी पॉजिटिव स्पिरिट को दोस्तों अपने अंदर रखनी है आपको, ठीक है। चलिए इसी पॉजिटिव स्पिरिट से करते हैं दोस्तों सेशन की शुरुआत। सभी लोग एक एक करके लाइक बटन पर प्रेस करके, थम्स अप प्रेस करके मुझे बताएं यस सर हमें समझ में आ रहा है, और बढ़िया तरीके से हम इस चीज को दिमाग में रखेंगे, कभी भी ऐसे घबराएंगे नहीं और पीछे हटेंगे नहीं, है ना। चलिए आज का आर्टिकल देखो क्या कहता है, हम आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। न्यूज़पेपर ये रहा अपना, यहां पर पढ़ने वाले आर्टिकल में देखो पहला आर्टिकल दोस्तों ये है, अंडर एस्टिमेटेड यूटिलिटी। बेसिकली दोस्तों ये बात हो रही है एमजी नरेगा, है ना, महात्मा गांधी नेशनल महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, तो इसको लेकर है मनरेगा जिसे हम कहते हैं। तो मनरेगा में जितना बजट अलोकेट किया गया था इस साल के लिए, पिछले साल वाला, वो खत्म हो चुका है। बजट जो था उस वो बजट ही खत्म हो चुका है। इसका मतलब इस बार लोग ज्यादा थे और ज्यादा लोगों ने अपना इसका इस्तेमाल किया, जिस वजह से बजट पहले ही खत्म हो चुका है। क्या है ये, क्या पहले से हम लोगों ने कम आंका था बजट को, यही तो कुछ ऐसे करके बात हो रही। तो यही डिस्कशन दोस्तों यहां पर है, इसको हम लोग यहां पर दिमाग में रखने वाले हैं। पहला आर्टिकल दोस्तों ये पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं दोस्तों। ये रहा द बिग पुश, ये बेसिकली बात यूएस की ओर रखी है कि जो बाइडेन अब जो स्कीम लेकर आ रहे हैं, उन स्कीम्स में खुद के लिए और इंटरनेशनली वो क्या क्या स्टेप बनने वाले हैं। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा हम इसके बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली तो यहां पर डेटा ज्यादा दिया हुआ है, अगर आप देखोगे उस तरीके डेटा ज्यादा दिया हो, विच इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस, बट हाँ रीडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल पढ़ेंगे। अगला आर्टिकल दोस्तों ये है पेगासस को लेकर है। बेसिकली यहाँ बात ये बोली गई, कोर्ट ने बोला ना 27th को आया था ना डिसीजन कोर्ट का कि इंक्वायरी रखी जानी चाहिए, बट ये कि क्या अभी भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो क्या हम इसको ये मान लें कि गवर्नमेंट जो है वो कोऑपरेट नहीं कर रही है कोर्ट के साथ में। इस तरीके का डिस्कशन है, इट हैज नो कॉन्क्रीट स्टेटमेंट, इट इज जस्ट अ डिस्कशन। तो इसको हम पढ़ेंगे, कुछ कुछ पॉइंट्स यहां पर आएंगे। ये वाला आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, यह बेसिकली बोला जा रहा है आपको मालूम है कोविड का दौरान स्कूल रहे बंद, स्कूल बंद रहने से नुकसान एक पढ़ाई का हुआ वो तो सबको सीधे तौर पर दिख रहा, बट इनडायरेक्ट एक नुकसान और हुआ, वो है जब स्कूल खुले होते थे तो वहां पर सरकार की आंगनबाड़ी योजना से लेकर तमाम तमाम तरह की योजना के थ्रू बच्चों को खाना मिलता था जो मिड डे मील स्कीम में आता है, और उस स्कीम के जरिए बहुत सारे बच्चों को जो न्यूट्रिशन नहीं मिल पाते उनके डेली डाइट रूटीन में, वो उनको वहां से मिल जाते थे। बट उसकी समस्या है वो बढ़ गई है क्योंकि स्कूल बंद, तो बाकी सारा न्यूट्रिशन पहुंचना भी बंद, तो उसी के बारे में ये आर्टिकल दोस्तों दिया। हालांकि ऐसी चीजें हम कई बार पढ़ते हुए हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट तो हम इसको भी पढ़ेंगे, कुछ पॉइंट नए आए हैं इसमें। यहां आ जाओ दोस्तों, ये है ए रिमाइंडर फ्रॉम सार्स कोविड 2, एक किताब है, उस किताब के बारे में दिया, एक किताब है जिसका नाम है इनविजिबल एम्पायर द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ वायरसेस। ये किताब है, किताब लिखी है इन्होंने प्रियन लाल ने, और 799 रुपए की किताब है, है? तो आप कहोगे सर ये क्यों बता रहे हो हमें 799 रुपए की, खरीदनी नहीं है, मैं बता रहा हूँ डिटेलिंग दी हुई है यार, और इसमें पूरा का पूरा दिया है कोविड के बारे में दिया, हमारा सिंपल सी बात तो यार पढ़ सकते हो, पढ़ने का मन कर तो पढ़ना, ठीक है। अब एक यहां पर दिया हुआ है दोस्तों कि डेथ पेनल्टी को लेकर यहां पर एक आर्टिकल है,
इस पर डिस्कशन बनाएंगे, साइकोलॉजिकल कुछ फैक्ट्स के बारे में बातें दी हुई है जो कि कैसे कैसे इंपॉर्टेंट है हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है। बोले जी सर ठीक है, हम लोग समझ गए बढ़िया तरीके से। आओ जरा वो कैब नोट करते हैं, सबकी वो कैब हमारी क्या क्या कहते हैं, उन सबकी वो कैब को नोट करेंगे एक एक करके दोस्तों, हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। आप में से सभी लोग, जो लोग वोकैबुलरी जिनकी वीक है उन लोगों के लिए आर्टिकल बहुत जरूरी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक करके लिखना शुरू करो दोस्तों एवरीवन, फिर हम दोस्तों बढ़ते हैं, लिखते जाओ। पहला वर्ड है आपके लिए आर्डुअस, वर्ड क्लास में ओ यू एस दिया है तो ये एडजेक्टिव की तरह यूज होगा, याद रखना है। कोई भी वर्ड जिस क्लास में ओ यू एस होता है एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। आर्डुअस वर्क हम उस काम को कहते हैं जिसमें बहुत ज्यादा एफर्ट लगते हैं आपके, हमने लिखा इन्वॉल्विंग और रिक्वायरिंग स्ट्रेनस एफर्ट, या फिर डिफिकल्ट और टायरिंग है कोई चीज, बहुत ज्यादा थकाने वाली है, उसको हम कहते हैं वो चीज आपकी आर्डुअस कहलाती है, कठिन है मुश्किल है, दैट इज आर्डुअस। हाँ कठिन है मुश्किल है, दैट इज आर्डुअस, एडजेक्टिव की तरह दोस्तों यूज हुआ है, इसको याद रखिएगा। अगला वर्ड है आपके लिए मैनुअल, यूजली वो वर्ड जिसके लास्ट में एल होता है वो भी एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। मैनुअल हम उस काम को कहते हैं जिस काम में कोई खास स्किल की जरूरत नहीं पड़ती और उस काम की कोई खास वैल्यू नहीं होती समाज में, इस तरीके के काम को मैनुअल वर्क कह देते हैं। तो हमने लिखा अ वर्क नॉट रिक्वायरिंग मच स्किल और लैकिंग प्रेस्टीज, उसमें प्रेस्टीज नहीं है उसको हम कहते हैं मैनुअल, यह आपका दोस्तों एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, इसको याद रखिएगा। काम तो देखो दोस्तों कोई भी हो, ठीक है, उस काम की एक वैल्यू जरूर होती ही होती है चाहे वो कोई भी काम हो, लेकिन समाज में बहुत सारे कामों को वैल्यू नहीं दी जाती है। अब वही काम जब उनसे करवा लिए जाएंगे या फिर उनके लिए जब वो काम होगा नहीं तो वैल्यू देना शुरू हो जाएंगे। चाहे काम कोई भी हो, मैं एग्जाम्पल आपको देता हूं, आपके घर में कोई साफ सफाई वाली बात हो, साफ सफाई कोई और करता हो, आप नहीं करें, फॉर एग्जाम्पल आप करें मैं क्यों करूं साफ सफाई, 10 दिन अगर उसने साफ सफाई नहीं करी तो आपको उसकी वैल्यू पता चल जाएगी कि साफ सफाई करने वाले की वैल्यू कितनी ज्यादा है। तो प्रेस्टीज हर एक काम में होती है, बट लेकिन समाज में बहुत सी चीजें होती हैं तो समाज हरकतें करता है, तो उसके हिसाब से टर्म लिखा हुआ है मैनुअल। अभी एग्जाम्पल में आर्टिकल में पढ़ोगे तो आपको और क्लियर होगा। चलिए अगला वर्ड दोस्तों फ्रेजल वर्ब है, बियर आउट लिखा है। बियर आउट का मतलब है किसी चीज को एज एन एविडेंस देखते हुए उसको साबित करना कि देखो ये एविडेंस है और यू आर प्रूविंग समथिंग, और आप उसके फैक्चुअलनेस को प्रूव कर रहे हैं, ट्रूथनेस को प्रूव कर रहे हैं, दैट इज बियर आउट करना, दैट इज बियर आउट करना, टू गिव एविडेंस और टेस्टिमनी टू द ट्रूथ और फैक्चुअलनेस ऑफ समथिंग और समवन, किसी चीज के फैक्चुअलनेस और ट्रूथ के बारे में टेस्टिमनी देते हुए एविडेंस देते हुए साबित करना आपका बियर आउट कहलाता है, ठीक है ओके। अगला वर्ड है एलिविएट, एलिविएट आपका वर्ब की तरह यूज होता है जिसका मतलब है मेक सफरिंग डेफिशिएंसी या फिर प्रॉब्लम लेस सीवियर, सफरिंग को डेफिशिएंसी को या प्रॉब्लम को लेस सीवियर बनाना। अब पॉवर्टी है अब गरीबी है, गरीबी को कम करना एलिविएट करना है ना, ऐसे करके यूज होता है, गरीबी को कम करना एलिविएट करना। लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या, उस समस्या को कम करना, दैट इज एलिविएट करना। पॉइंट समझ में आ रहा है, हाउ डू वी यूज द वर्ड एलिविएट, हम इसे ऐसे यूज करते हैं दोस्तों, वर्ब की तरह यूज होता है, याद रखना है ओके। अगला वर्ड दोस्तों एवेन्यू, एवेन्यू आपका नाउन की तरह यूज होता है। एवेन्यू का मतलब है ए वे ऑफ अप्रोचिंग अ प्रॉब्लम और मेकिंग प्रोग्रेस टुवर्ड समथिंग, आप एक कोई तरीका किसी प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करते हैं, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो आपका तरीका होता है उसे हम बोलते हैं एवेन्यू, वो एक तरीके का आपका रास्ता है, नाउन की तरह दोस्तों यूज होता है, इसको याद रखिएगा। तो ऐसे याद रखेंगे एवेन्यू हमारा नाउन की तरह यूज हुआ है, सबको याद रहेगा, बोले जी सर याद रहेगा, हम तो नहीं भूलेंगे, कोई दिक्कत समस्या हमें नहीं आएगी, है ना ओके। अगला वर्ड है आपके लिए एस ए एल वी साल्व, इट्स एस ए एल वी साल्व, ये आपका नाउन की तरह यूज होता है। अब साल्व का मतलब क्या है, देखो समथिंग दैट इज सूदिंग, कोई चीज आपके लिए सूदिंग है, सूदिंग है मतलब आरामदायक है, सूदिंग है मतलब आरामदायक है, और कंसोलिंग फॉर वुंडेड, वुंडेड है कोई चीज मतलब वुंडेड फीलिंग्स है, घाव हो रखा है तो उसमें मरहम की तरह काम कर रही है, और एन अनइजी कॉन्साइंस है यानी कुछ खराब सिचुएशन आपके तो उसमें मरहम की तरह काम करना, ये आपका साल्व कहलाता है, वो आपका नाउन की तरह दोस्तों यूज होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है नाउन की तरह यूज हुआ इसे याद रखेंगे। अगला वर्ड है आपके लिए मिलियू, इट्स मिलियू, मिलियू क्या होता है, एक पर्सन का सोशल एनवायरनमेंट, जैसे परिवेश में कोई व्यक्ति रहता है, किसी परिवेश में कोई व्यक्ति बचपन से लेकर बड़ा होकर ग्रो करता है तो वो आपका जो माहौल होता है, परिवेश होता है, उसी को हम मिलियू कहते हैं। आपका माहौल आपका परिवेश जैसा होता है उस तरीके की क्वालिटी आपके पास आती है ना, कई बार क्वालिटी आपके पास किसी पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड हो जाती है क्योंकि आपके पास पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड ही लोग कहीं पर थे, कई बार क्या होता है आपके पास क्वालिटी पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड नहीं होते, काफी मल्टी टास्किंग टाइप की क्वालिटी होती है क्योंकि आपके आसपास के लोग वैसे थे,
है ना। अब जरा आप लोग मुझे बताओ आपके अंदर क्वालिटी कैसी वाली है, पर्टिकुलर किसी एक टास्क में बहुत ज्यादा स्ट्रांग वाली क्वालिटी या फिर मल्टी वाली है, कैसी वाली क्वालिटी, क्योंकि कोई ना कोई क्वालिटी सब में होती है, वो उनके परिवेश के अकॉर्डिंग ही डिपेंड करती है ना। ओके अगला वर्ड है दोस्तों अनस्क्रुपलस। वर्ड क्लास में वो यूएस एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। अब अनस्क्रुपलस का मतलब है कोई भी आप काम कर रहे हैं बट आपकी क्वालिटी कैसी है, एकदम बिल्कुल बेशर्मो जैसी, जैसे यहां लिखा ऑनेस्ट नहीं है आप, फेयर नहीं है लोगों से, है ना, मोरल प्रिंसिपल्स नहीं दिखा रहे, हैविंग और शोइंग नो मोरल प्रिंसिपल्स, कोई मोरल प्रिंसिपल्स नहीं दिखा रहा, नॉट ऑनेस्ट नॉट फेयर, ऐसा टाइप का होना, दैट इज बेशरम, उसे हम बोलते हैं अनस्क्रुपलस, दैट इज अनस्क्रुपलस, दैट इज अनस्क्रुपलस, है ना। ऐसे करिए मल्टी वाली है, वेरी गुड, स्ट्रांग वाली है, मल्टी वाले हम लोग मैक्सिमम लोग मुझे लगता है मल्टी वाले ही होंगे जो कहेंगे अपने आपको कि सर हम मल्टी वाले हैं, है ना, मल्टी वाले हैं, कह रहे कोई क्वालिटी ही नहीं है, अरे कोई क्वालिटी नहीं है, मार पड़ेंगे ना, कोई क्वालिटी ही नहीं है, ये लोग जबरदस्ती के डीमोटिवेट होते हैं, समझ गए, ये वही वाले लोग हैं। एक बार किसी ने मुझसे कहा सर मेरे को एक गाड़ी चाहिए, मैंने कहा ठीक है चलो मैं खुश होकर गाड़ी दिलवा दे रहा हूँ तुमको, मैं ले गया उसको ऑडी के शोरूम में, मैंने कहा ऑडी Q8 बुक कर ले रहे हैं, कह रहा नहीं सर ऑडी Q8 नहीं लेंगे, ये तो सर हमारी डीजल वाली गाड़ी, मेरे को तो गैस की गाड़ी चाहिए, हाँ हम तो नहीं लेंगे, रोने लग गया, पैर पटक रहा यार शोरूम में, देख रहे हो वैगनार दिलवा के आओ सर मैं, ये ऐसी लोग हैं, इनके पास कितनी भी क्वालिटी इनके माँ बाप इन्हें दे दे, बड़े हो गए ये कहते हैं हमें तो कोई क्वालिटी नहीं है, माँ बाप के सामने कहना मार पड़ेगी बहुत ज्यादा, क्वालिटी ही नहीं है, बिना क्वालिटी के कोई नहीं होता, क्वालिटी सब में होती है। अकॉर्ड एन ऑफिशियल अग्रीमेंट और ट्रीटी, दो लोगों के बीच में कोई ट्रीटी हो गई, कोई अग्रीमेंट हो गया, दैट इज अकॉर्ड, उस सहमति को हम कहते हैं अकॉर्ड। स्क्रीनशॉट लेंगे दोस्तों, एवरीबॉडी टेक दिस स्क्रीनशॉट, दिस इज योर फर्स्ट स्लाइड, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ठीक है जल्दी से, ये लो जरा मैं हट भी गया, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो एवरीवन, डन हो गया, बढ़िया आ जाओ, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, और सुधर जाओ, कोई पूछे क्वालिटी क्या है तो अपनी क्वालिटी के बारे में सोचो, इतने बड़े हो गए अभी भी कह रहे हो क्वालिटी नहीं है तो कैसे काम चलेगा, सबके अंदर क्वालिटी होती है, ढूंढो। हाँ ये हो सकता है बहुत ज्यादा बिजी रहे हो, यारी दोस्ती में तो पता ही नहीं कर पाया क्वालिटी क्या है, ओहो ये हो सकता है, नाउ आई गॉट द पॉइंट, लिखो बेटा घर वालों की मार की जरूरत पड़ती है यहां पर तब क्वालिटी याद आती है। वर्ड है यहां पर कोफर्स, कोफर्स हम किसको कहते हैं, कोफर्स हम उस अमाउंट को कहते हैं जो पर्टिकुलर अमाउंट रिजर्व किया गया है किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए, हमने लिखा दी फंड्स ऑफ फाइनेंशियल रिजर्व फॉर एन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल जो रिजर्व होता है उसे हम कहते हैं कोफर्स, या आपका दोस्तों नाउन की तरह यूज होता है, इसे याद रखना है, याद रखोगे बोले जी सर याद रखेंगे, हम तो नहीं भूलेंगे। अगला वर्ड है कम्युनिके, कम्युनिके बना है कम्युनिकेशन से, किससे बना है कम्युनिकेशन से, कोई बात कही जा रही है किसी मीडिया हाउस को, मीडिया पर्सन को, और वो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट की तरह है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट की तरह है, दैट इज कॉल्ड कम्युनिके, उसी को हम कम्युनिके कहते हैं। हमने लिखा एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट और स्टेटमेंट स्पेशली वन मेड टू द मीडिया, दैट इज कॉल्ड कम्युनिके, ये आपका नाउन की तरह यूज हुआ है, याद रहेगा बोले जी सर याद रहेगा, नहीं भूलेंगे कम्युनिके, कम्युनिके नाउन की तरह ऐसे करके यूज हो गया। ओके अगला वर्ड है रिलेंटलेस, रिलेंटलेस वर्ड के लास्ट में दोस्तों एल ई एस एस दिया होता है तो एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, या फिर एफ यू एल दिया होता है तो भी एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, तो याद रखेंगे रिलेंटलेस एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ, विच मीन्स अनसीजिंगली इंटेंस और परसिस्टेंट, कोई चीज बिना रुके हुए परसिस्टेंट लगातार लगी हुई है, वो भी इंटेंस होती जा रही है, यानी कि खराब नेगेटिव भी बनती चली जा रही है, तो वो रिलेंटलेसली कोई चीज होती जा रही है, फॉर एग्जाम्पल लोगों की परेशानियां रिलेंटलेसली इंक्रीज हो रही हैं, दैट मींस वो बिना रुके बढ़ती चली जा रही है, दैट इज रिलेंटलेस, ऐसे करके दोस्तों हम रिलेंटलेस को यूज करते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, रिलेंटलेस को कैसे यूज करते हैं दोस्तों। अगला वर्ड है आपके लिए स्पीयर हेड, स्पीयर हेड का मतलब कोई व्यक्ति जो कि लीड कर रहा है किसी भी मूवमेंट को, कि कोई मूवमेंट है ही इज द लीडर, दैट मीन्स ही इज स्पीयर हेडिंग द मूवमेंट, वो उस मूवमेंट को स्पीयर हेड कर रहा है, तो लीड करना किसी अटैक को या फिर किसी मूवमेंट को, उसको हम कहते हैं स्पीयर हेड, वर्ब की तरह दोस्तों यूज होता है, ध्यान रखना है। अगला वर्ड है डिस्टोर्शन, वर्ड क्लास में आई ओ एन होगा, नाउन की तरह यूज होगा, ये भी याद रखना है, डिस्टोर्ट करना होता है किसी भी तरीके की चीज को, थोड़ा आपने घुमा फिरा दिया, बदलाव कर दिया, आप उसे मिसलीडिंग इंप्रेशन दे रहे हैं किसी को, दैट इज डिस्टोर्शन।
हमने लिखा द एक्शन ऑफ गिविंग अ मिसलीडिंग अकाउंट और मिसलीडिंग इंप्रेशन, किसी को मिसलीडिंग इंप्रेशन दिखाना, मतलब इंप्रेशन जो है आपका खराब पड़ना, वो होता है डिस्टोर्ट होना, नाउन की तरह दोस्तों यूज होता है, इसको याद रखना है। ठीक है, बोले जी ठीक है, याद रहेगा। अगला वर्ड है व्रिंकल्स। व्रिंकल्स क्या होते हैं? ये व्रिंकल्स नहीं होते, आई एम सॉरी, रिंकल्स होते हैं। ठीक है, अब ये होता क्या है? एक क्लेवर इनोवेशन या फिर यूजफुल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन और एडवाइस या फिर कोई हिंट, दैट इज रिंकल्स। ये आपका नाउन की तरह यूज होते हैं, याद रखिएगा। कोई भी आपको हिंट देना कि कुछ होने वाला है, कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मिलना, वो आपके रिंकल्स कहलाते हैं, नाउन की तरह दोस्तों यूज होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, याद रहेगा। बोले जी सर याद रहेगा, हम तो नहीं भूलेंगे। परफेक्ट है यार दोस्तों, आज स्टूडेंट तो बहुत कम आए हैं, 1400 लोग देख रहे हैं, बाकी लोग नहीं आए क्या? आप लोगों ने सेशन शेयर किया है? अच्छा, आज तो पहला तारीख है, आज क्यों पढ़ाई कर रहे होंगे? सही बात है, दिवाली आने वाली है, सुबह सुबह से काम भी चल रहा होगा घर में, है यार। सुबह का टाइम तो इतना बढ़िया है मेरा, आराम से पढ़ के दिन भर काम किया जा सकता है, और क्या है ना। बट सुबह सुबह पढ़ना बहुत जरूरी, चाहे कुछ भी हो जाए, स्टडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेक्यूलेटिव दिया हुआ है, वर्ड के लास्ट में आईवीई है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। बेस्ड ऑन गेसिंग विदाउट नोइंग ऑल द फैक्ट्स, आप गेस कर रहे हैं, आपके पास फैक्ट्स है नहीं और आप लेकिन गेस किए जा रहे हैं, तो बिना फैक्ट्स के गेस करना स्पेक्यूलेटिव कहलाता है। बेस्ड ऑन गेसिंग, कोई चीज किस पर बेस्ड है? गेसेस पर बेस्ड है, और आपके पास फैक्ट्स नहीं, काल्पनिक है। शोइंग दैट यू आर ट्राइंग टू गेस समथिंग, ये दिखाता है कि आप कुछ गेस करें, काल्पनिक है कोई चीज। हाँ, अगला वर्ड इज स्कॉर्ज। स्कॉर्ज आपका नाउन की तरह यूज होता है, विच मींस ए पर्सन और थिंग दैट कॉजेज अ लॉट ऑफ ट्रबल और सफरिंग। कोई पर्सन या कोई चीज जिससे बहुत ज्यादा ट्रबल और सफरिंग हो रही है, वो आपका स्कॉर्ज कहलाता है। स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों एवरीवन, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें सभी लोग। ये आपकी सेकंड स्लाइड, और सबको अच्छा लग गया है लाइक बटन पर भी प्रेस करते जाओ, वो क्या आप नोट कर लेना, मुझे चाहिए सबसे थम्स अप। फटाफट से देखो अपने मोबाइल फोन में से, चेक करो जरा फोन में, नीचे स्क्रॉल डाउन करके थम्स अप प्रेस किया हुआ है कि नहीं। नहीं प्रेस किया तो फटाफट से थम्स अप प्रेस कर दो एवरीवन, सबके मुझे लाइक बटन पे प्रेस चाहिए एवरीवन। जितने लोग देख रहे हैं, 600 लोगों ने थम्स अप दिया, बाकी सब लोग थम्स अप दो। आइए शुरुआत करते हैं फिर हम रीडिंग की। दोस्तों रीडिंग जब हमें करना होता है, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, रीडिंग करने के लिए हम ये सोचते हैं कि जो रीडिंग कर रहे हैं हम, वो रीडिंग हमारी दो चीजों पर बेस्ड होती है। नंबर वन वोकैबुलरी, ये सीखना है हमें। नंबर टू, हमें रीडिंग करने से अंडरस्टैंडिंग, समझ में आए, ओनली द टू थिंग्स आर। आप कभी ये मत सोचिएगा कि नहीं हमें ना यहां से ग्रामर सीखनी है, नॉट टू लर्न ग्रामर फ्रॉम हियर। ग्रामर सीखने के लिए तो हमारी क्लासेस हैं, हम क्लासेस सीखेंगे। यहां से ग्रामर इसलिए नहीं सीखेंगे क्योंकि बहुत सारे यहां पर सेंटेंसेस ऐसे हो जाएंगे जो कि ग्रामर के रूल नहीं फॉलो कर रहे होंगे, और वो तो न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर ने कोई वादा तो नहीं किया कि नहीं हम आपको ग्रामर एकदम परफेक्ट करके दिखाएंगे। गलतियां यहां भी हो सकती हैं, और जब आपको नहीं आती ना चीजें और नए नए में जब आप पढ़ रहे होते हो तो आपको कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, एंड आई डोंट वॉन्ट कि कंफ्यूजन हो। न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए परफेक्ट है, आप एक बार रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग हो गई आपके डेवलप, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आओ वर्ड बाय वर्ड, वन बाय वन इसको हम पढ़ते हैं। अंडर एस्टिमेटेड यूटिलिटी, मैं आपको बता नहीं रहा हूं कि क्या यहां चल रहा है, मैंने आपको मनरेगा के बारे में थोड़ा बताया। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ यहीं से समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली ये क्या कह रहा है। ठीक है, इसे हम यहीं से समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली ये क्या कह रहा है। देखो, अंडर एस्टिमेटेड यूटिलिटी, यूटिलिटी को हमने एस्टिमेशन जो है कम आका था, मतलब उसको हमने सही नहीं आका, तो वो क्या कह रहे हैं? लोअर्ड आउटले, आउटले का मतलब होता है पैसा, बजट, जो बजट रखा गया। लोअर्ड आउटले, कम जो बजट है फॉर रूरल गारंटी स्कीम के लिए, हैज लेड टू यूज्ड अप एलोकेशन, उसकी वजह से सारा का सारा एलोकेशन यूज अप हो, जो यूज हो गया, और जो वेज डिलेज हो गए, वेज डिलेज हो, क्योंकि एलोकेशन तो यूज हो गया, अब बाकी लोगों ने जो काम किया उनको उनकी तनख्वाह पैसा नहीं मिल पा रहा है। क्यों? क्योंकि जो पैसा माना गया था, इतना बजट रखा गया था, बजट हो गया खत्म। अब कैसे बजट की बात हो रही है? देखो होता क्या है, आपको मालूम है मनरेगा जो स्कीम है, थोड़ा सा बता देता हूं, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ये हो गया मनरेगा। तो स्कीम में क्या होता है कि जितने भी रूरल एरिया में लोग हैं वो इस स्कीम के तहत आकर काम कर सकते हैं। इस स्कीम में यूजुअली क्या होता है, सड़कें बनती हैं, पुल बनते हैं, या इंफ्रास्ट्रक्चर के जो काम होते हैं उन सभी काम में रखा जाता है। जब लोगों के पास पैसा काम नहीं होता तो पैसा कमाने के लिए लोग यहाँ आ जाते हैं। हालांकि पैसा बहुत ज़्यादा नहीं मिलता, लेकिन हाँ एक इतना अमाउंट मिलता रहता है कि किसी की जीविका के लिए चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे। लेकिन ये रूरल के लिए काम करता है।
अब जब से कोविड आया, कोविड के बाद से बहुत सारे लोगों के पास से जॉब थी, नौकरी थी, चली गई, तो लोग यहीं पर ही आए, जिस वजह से क्या हुआ, इस स्कीम का यूटिलाइजेशन पूरा हो गया, फंड्स भी इसमें खत्म हो गए। सवाल बस ये कि जो सोचा गया था वो सोच के क्या पहले से नहीं सोचा जा सकता था कि इसमें ज्यादा पैसे बढ़ाए जाने चाहिए क्योंकि लोगों के पास जॉब कम है। ये कई सारे सवाल है जो यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है, ठीक है, बड़े ध्यान से सुनिएगा दोस्तों मेरे साथ। That as many as 21 of 35 states or union territories have utilized. मतलब 35 में से 21 जो state और union territories है, total मिला के 21 ने तो पूरा का पूरा utilize कर लिया by October 29, over 100% of their allocated funds. जितना funds उन्हें allocate किया गया था states को और UTs को, उन्होंने 100% पूरा का पूरा allocate जो fund था उसका utilization हो गया, कुछ की जगह तो ज्यादा हो गया, जिस वजह से dues हो गए हैं, due रह गए हैं under this scheme, है ना? फिजिकल ईयर 21 to 22 यूटिलाइज होगा। आप देखो 21 to 22 अभी तो क्या है, नवंबर स्टार्ट हुआ है, ये खत्म हो गया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, आप समझ रहे, अपने पास अच्छा खासा अभी टाइम बचा हुआ है। इज नॉट अ सरप्राइज, ये कह रहे हैं इसमें ये कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है। इन द प्रीवियस ईयर, पिछले साल क्या हुआ, द अलोकेशन फॉर एमजी नरेग्स वर इंक्रीज, पिछले साल 50,000 करोड़ रुपया बढ़ाया गया था टू मीट द डिमांड फॉर वर्क, वर्की की डिमांड को बढ़ाने के लिए। विद द रिवाइज एस्टिमेट्स फॉर स्पेंडिंग फॉर द स्कीम गोइंग अप टू 111,500 करोड़, इससे भी ज्यादा पहुंच चुका है, यानी कि हमें इसे और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। अब इस स्कीम में क्या है, एमजी नरेग्स वॉज अ लाइफ सेवर, हमेशा के लिए लाइफ सेवर रहा है फॉर द पुअर, गरीब लोगों के लिए, क्योंकि जब उनके पास कोई काम धंधा नहीं होता तो बस यही एक स्कीम होती है मात्र, जहां पर उन्हें काम मिल जाता है और उस काम में उन्हें पैसे भी मिल जाते हैं 180 दिनों के लिए। स्पेशली माइग्रेंट लेबरर जो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप, ये शहर आगरा में मैं रहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से लोग गए किसी और जगह पर, या यहाँ के जो गांव में जो लोग रहते थे वो किसी और शहर में गए काम करने के लिए, और उन्हें जब नौकरी के किसी वजह से नौकरी उनकी चली गई, नहीं मिल रहा काम, तो वो लौट कर अपने घर आए, गाँव आए, वहां पर उन्होंने देखा उनको वहां पर एक काम मिल गया, तो एक थोड़े शॉर्ट पीरियड के लिए तो उन्हें एक हेल्प मिल जाती थी, मिलती भी है। फॉलोइंग द सडन लॉकडाउन हुआ अनाउंस बाय द यूनियन गवर्नमेंट, उसमें सब कुछ देखने को मिला, हेल्प मिली। इन दिस ईयर्स बजट, इस साल के बजट में द फाइनेंस मिनिस्टर एलोकेटेड 73,000 करोड़ रुपीज फॉर दिस स्कीम, 73,000 करोड़ रुपीज एलोकेट किए गए थे, विच वॉज हायर देन द प्रीवियस ईयर्स एब्सोल्यूट नंबर इन बजट एलोकेशन, जो पिछले साल से ज्यादा थे, बट दिस अमाउंट ओनली टू 2.1% ऑफ द बजट एक्सपेंडिचर, लेकिन बजट एक्सपेंडिचर का ये सिर्फ 2.1% था। लोएस्ट आउटले, सबसे कम आउटले था इन दोज टर्म्स इन द लास्ट 6 ईयर्स, अगर पिछले 6 सालों में देखा जाए तो ऐसा कोई बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं था। बाय अक्टूबर एंड तक आते आते केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश हैड यूटिलाइज मोर देन 130% ऑफ देयर रेस्पेक्टिव एलोकेशंस फॉर दिस स्कीम। इस स्कीम में देखो हर एक स्टेट को कुछ अमाउंट एलोकेट किया गया कि सम 1,000 करोड़ रुपीज आपके लिए, सम 1,000 करोड़ रुपीज आपके लिए। अब लोगों से काम करवाया गया, लोगों ने काम किया, लोगों को और डिमांड हुई काम की, उनसे काम करवाया जाए, 130% से ज्यादा एलोकेट हो, जो एलोकेशन था वो यूज हो चुका है। अब 130% कैसे यूज हो गया होगा, अब आप ये सोच रहे होंगे, ऐसा होता है 100% तो जो मिला वो तो लोगों की तनख्वाह में चला गया, बाकी जो 30% और एक्स्ट्रा है ना वो उनकी ड्यूज है, वो पेमेंट ड्यूज है, उन्होंने काम कर दिया लेकिन अभी सरकार पैसे नहीं दे पा रही, क्यों, क्योंकि उनके पास फंड्स खत्म हो गए, एलोकेशन जो था वो खत्म हो गया। That is the problem. समझ में आ रहा है दोस्तों, एक बार मेरे को बता दे, समझ में आ रहा है कि हाँ सर ठीक है, जितना लोकेशन था वो कैसे हो गया वो हमने देखा। इस वजह से क्या पता चल रहा है, इंडिकेटिंग द एक्सटेंट टू विच रूरल वर्कर्स डिपेंड ऑन द स्कीम, ये दिखाता है रूरल वर्कर्स इन्हीं पर ही, इसी स्कीम पर ही डिपेंड करते हैं, इवन इन रिलेटिवली बेटर ऑफ स्टेट्स, बेटर ऑफ जो स्टेट्स है वो भी, मतलब जो अच्छी वेल स्टेट्स है वो भी इसी पर ही डिपेंड करते हैं, क्योंकि ये स्कीम तो बस एक ही है ना। तो साफ तौर पर एक बात सच में क्लियर है, क्लियरली द यूनियन गवर्नमेंट हैज अंडर एस्टिमेटेड, कि यूनियन गवर्नमेंट ने तो जो आकलन लगाया था कितना पैसा एलोकेट करना करना चाहिए उसको अंडर एस्टिमेट किया है द डिमांड फॉर वर्क अंडर द स्कीम, विच इवन इफ इट इन्वॉल्व आर्डुअस एंड मैनुअल लेबर, भले इसमें आर्डुअस और मैनुअल लेबर लगे, मैनुअल और आर्डुअस वर्क समझ गए ना, हैज अकाउंटेड फॉर लार्ज चंक ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट, इसी वजह से लार्ज चंक ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट जाता है एट अ टाइम व्हेन द इकोनॉमी सफर्ड अ स्टीप कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू द इफेक्ट्स ऑफ द पैंडेमिक, जब हम बहुत स्टीप कॉन्ट्रैक्शन फेस कर रहे हैं इकोनॉमी में, तब हमने देखा यह ज्यादातर तो पैसा यहीं पर ही जाता है। ओके, इन रेस्पॉन्स टू अ रिपोर्ट, एक रिपोर्ट को देखते हुए जो ऑफिशियल्स हैं इन द रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने, उन्होंने ये कहा, उसके रेस्पॉन्स में अक्यूज किया, मतलब आरोप लगाया स्टेट्स पर ऑफ आर्टिफिशियली क्रिएटिंग डिमांड, कि आप तो आर्टिफिशियली डिमांड क्रिएट कर रहे हो, मतलब रियलिटी में नहीं, ऐसा आरोप लगाया इन्होंने, ऐसा आरोप लगाया कि भैया तुम तो डिमांड क्रिएट करो, इसका मतलब ये तो कुछ घपले वाली बात हो गई,
जब ऐसा करके कोई कह देगा तो घपले वाली बात हो गई। बट दिस हैज नॉट बीन बॉर्न आउट फ्रॉम द ग्राउंड रिपोर्ट्स, लेकिन ऐसा साबित हो नहीं पाया ग्राउंड रिपोर्ट से, विच कंटिन्यू टू इंडिकेट राइजिंग डिमांड्स। क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट तो पता ही चल रहा है, डिमांड तो बढ़ी रही है, लोगों को काम की जरूरत तो है ही, लोगों के पास जॉब नहीं है तो फॉर वर्क एंड वेज इन रूरल इंडिया। बट आप ये सोच के देखो हमारे डिपार्टमेंट में या कहीं पर भी इस तरीके के आरोप कैसे कोई लगा देता है। आगे आने वाले टाइम में आप लोग किस तरीके से डिपार्टमेंट में होंगे और जब इस तरीके की सिचुएशन आएगी तो सोल्यूशन ना ढूंढ के हम आरोप लगा दें, ऐसा ही नहीं, हम मानेंगे नहीं। और क्या, ये सफेद कलर है ही नहीं, ये तो हरा कलर है, मान चेक कर लो भले, चेक करके बता रहे तो सफेद अच्छा होगा सफेद, ये कोई लॉजिक थोड़ी होता ना। आप एक जिम्मेदार ऑफिशियल हैं अगर किसी भी डिपार्टमेंट से, तो आपका जो स्टेटमेंट आता है दैट शुड बी वेरी कॉन्क्रीट और वो एकदम अच्छा सही होना चाहिए ताकि उसकी बात सुन के भरोसा भी हो पाए। आप ऐसे करके क्या क्या मतलब बनता है, गड़बड़ हो गई यहाँ पर, मेरी बात से अग्री करते हो कि नहीं, मतलब क्या 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 चाहते हो, गड़बड़ हो गई। सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट जो है वो ये क्लेम करते हैं दैट सम वर्कर्स हैव बीन टर्न्ड अवे बाय ऑफिशियल्स डिस्पाइट द डिमांड फॉर वर्क बिकॉज ऑफ द पॉसिटी ऑफ फंड्स। बहुत सारे जो वर्कर्स थे उन्हें काम नहीं मिला, वो नहीं आ पाए, क्यों? क्योंकि फंड्स की कमी थी, पॉसिटी थी फंड्स की, इस वजह से। तो यूनियन गवर्नमेंट मस्ट एंश्योर, यूनियन गवर्नमेंट को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो एलोकेशन है वो एडिक्वेट हो, सफिशियंट हो फॉर वेज पेमेंट्स के लिए, कि लोगों को उनकी तनख्वाह मिल पाए, टू बी डन जो भी काम उन्होंने किया है, एंड फॉर डिमांड टू बी मेट, जो डिमांड है वो पूरी भी हो पाए इन द रिमेनिंग मंथ्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जो अभी महीने बचे हुए हैं फाइनेंशियल ईयर के, यानी मार्च तक, अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर जनवरी फेब मार्च, 5 महीने अभी बचे हुए हैं। द यूटिलिटी ऑफ एम जी नरेक्स एज अ स्कीम दैट एलिविएट डिस्ट्रेस, ये जो यूटिलिटी है इसका, जो इस्तेमाल है इस स्कीम का जो कि डिस्ट्रेस को कम करता है, हैज नेवर बीन इन क्वेश्चन, कभी भी सवाल में नहीं है, सवालों की घेरे में नहीं है, क्योंकि हमेशा इसने हेल्प ही करी है, क्योंकि मनरेगा स्कीम हमेशा सक्सेसफुल रही है, हेल्प ही करी है। फ्रॉम एक्टिंग एज एन इफेक्टिंग सब्सटीट्यूट, क्योंकि सब्सटीट्यूट की तरह हमेशा काम किया है इसने, इन द एब्सेंस ऑफ क्रोप और वेदर इंश्योरेंस, जब क्रोप इंश्योरेंस नहीं होता है, वेदर इंश्योरेंस नहीं होता, तो ये होता है एक तरीके की हेल्प मिल जाती है, इन एडिंग पुअर, गरीबों की मदद करने के लिए, पुअर फार्म हाउस होल्ड्स की, एंड हेल्पिंग टू प्रोवाइड वेज और वेजेस प्रोवाइड करने के लिए, तनख्वाह प्रोवाइड करने के लिए ड्यूरिंग एग्रेरियन क्राइसिस, जब जब एग्रेरियन क्राइसिस आती है, यानी कि फसल नहीं हुई, किसी भी तरीके से खेती में नुकसान हो गया, तो लोग जाके काम कर लेते, तो उसमें बड़ी हेल्प मिल जाती है। सो टू बींग एन एवेन्यू फॉर एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द इकोनॉमिक क्राइसिस, एक एम्प्लॉयमेंट बनने की, एक एम्प्लॉयमेंट हो जाता है इकोनॉमिक क्राइसिस में, इंड्यूस्ड बाय द पैंडेमिक एंड द रेस्पॉन्स। तो मनरेगा हैज टर्न आउट टू बी अ साल्व फॉर द फार्म वर्कर्स एंड लेबरर्स, एक तरीके के लिए साल्व की तरह काम करता है, साल्व अभी मैंने बताया मरहम की तरह काम करती है स्कीम, लेकिन अगर ऐसा होगा डिलेज इन वेज पेमेंट्स में ही डिले हो रहा है, तो ये मरहम कैसे बना? आज आपने काम किया, 2 महीना हो गया, आपको पैसे ही नहीं मिल रहे हैं आज पैसे की जरूरत है, तो कैसे फिर ये काम चलेगा, गड़बड़ हो गई ना, फिर स्कीम का यूज फिर सही नहीं हो पाया ना। कुड ऑल्सो रिजल्ट इन अ डिक्लाइन इन रूरल कंजम्पशन, तो रूरल कंजम्पशन में भी डिक्लाइन हो जाएगा, विच प्लेज अ वाइटल रोल इन स्टिमुलेटिंग द इकोनॉमी, क्योंकि जब आपके आदमी के पास पैसा ही नहीं होगा तो खर्च क्या करेगा, तो रूरल इकोनॉमी भी तो डाउन हो जाएगी। बिसाइड्स दी स्कीम्स यूटिलिटी इन डिस्ट्रेस, तो एक तरफ जो हम ये देख रहे हैं कि यूटिलिटी कितनी है इस स्कीम की इन डिस्ट्रेस में, इसके अलावा इट ऑल्सो हैज द पोटेंशियल, इसमें यह भी पोटेंशियल है, इफ वर्क्स आर अपग्रेडेड सुटेबली, अगर वर्क सुटेबली अपग्रेड होते हैं टू कंटिन्यू टू इंप्रूव रूरल डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये आपके लिए काम आएंगे। द यूनियन गवर्नमेंट मस्ट कंसिडर दिस ड्यूरिंग अलोकेशन, अलोकेशन के दौरान जो यूनियन गवर्नमेंट है उसको ध्यान रखना चाहिए, नॉट बी कंजर्वेटिव इन द आउटलेज, आउटलेज में कंजर्वेटिव ना रहे, पुरानी अप्रोच ना अपनाते चले, आज सिचुएशन अलग है, लोग ज्यादा आएंगे, वेज ज्यादा जाना पड़ेगा, लोगों को काम ज्यादा चाहिए, एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा, तो इसको ध्यान रखना पड़ेगा। रिमेन अनमाइंडफुल ऑफ द ओवरऑल पोटेंशियल ऑफ दिस स्कीम, और ऐसा करने की जरूरत नहीं है कि आप अनमाइंडफुल हो जाए, ध्यान ना दें कि ओवरऑल पोटेंशियल क्या है इस स्कीम का, इसका बहुत अच्छा पोटेंशियल है, बहुत बड़ा बेनिफिट है, इसका बेनिफिट समझ पा रहे हो ना, कितना बड़े लेवल में बेनिफिट, अगर ये स्कीम ना हो तो लोगों के पास तो फिर कोई काम धंधा ही नहीं रहेगा, लोग कैसे कहां किस भरोसे पर जाएंगे, एक यही भरोसा एक होता है रूरल एरिया में रहने वाले लोगों के लिए, सरकार के ऊपर अगर कुछ होगा तो हम इस स्कीम के तहत जा पाएंगे, और जा पाएंगे तो हम इसके बस मतलब इसका एक बेनिफिट उठा पाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट द आर्टिकल, उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा, दिस इज द फर्स्ट आर्टिकल, सब लोग दोस्तों मेरे को बताएं जी सर समझ में आए एक बार, और इस आर्टिकल की जो टोन है पूरी तरीके से बेसिकली इसमें सजेशन ही दिया गया है, देखा गया क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, बस ये बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने इसको शायद अंडर एस्टिमेट कर लिया, इसका यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा है, इसके बेनिफिट बहुत ज्यादा होता है, इसे नुकसान नहीं होता कभी भी, हमेशा ये बढ़िया ही बना रहा है, एंड एट द एंड सजेशन दिया गया कि अब जो बचे हुए महीने हैं उसके लिए ऐसे फंड्स अलोकेट कर दिए
किए जाएं और ये सारी की सारी चीजें। बोलो जरा मेरे को कि जी सर समझ में आ गया, एंड द टोन इज सजेस्टिव। इस आर्टिकल की टोन दोस्तों है सजेस्टिव। क्लियरली सबको समझ में आ गया तो मुझे बोले जी सर समझ में आ गया, एक बार लाइक बटन पर प्रेस करके भी बता दें जी सर हमें अच्छे से समझ में आ गया है, फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ, ठीक है ना। बोले जी सर अच्छे से समझ में आ गया, अब तो हम नहीं भूलेंगे, ये हो गया है। और एक बात बताओ, आज तारीख है एक, बचे हैं सिर्फ 7 दिन, दिवाली है 4 तारीख की, 7 तारीख को क्या होने वाला है आपको पता है? 7 गिफ्ट्स मैं लेकर आ रहा हूं आप लोगों के लिए, है ना, शाम के 7 बजे 7 गिफ्ट्स हैं, है ना, और 7 नवंबर को। तो उन 7 गिफ्ट्स के लिए आप रेडी हैं कि नहीं पहले ये बताओ। और कितनों को पता है वो 7 गिफ्ट्स? पता क्यों होंगे, पता तो नहीं होंगे, लेकिन ये तो पता है कुछ लेकर आ रहा हूं आप लोगों के लिए, ओनली फॉर स्टूडेंट्स। तो बड़ा बेनिफिट आपको होने वाला है, तो कुछ कुछ चीजें जिससे आपको बेनिफिट हो ऐसे काम करते रहने चाहिए। एग्जाम आप दो सिलेक्शन की तरफ जो आपको ले जाए, ऐसे जितनी भी हेल्प हो सकती है वो होनी चाहिए, बट साथ आपको देना है खुद का। सबसे पहली बात तो यार, टीचर तो कुछ ना कुछ आपको देता रहेगा, प्रोवाइड करता रहेगा, खुद के अंदर जोश कम नहीं होना चाहिए। दिवाली है, बढ़िया से एंजॉय करना दिवाली, पढ़ाई लेके जब करो तो जम के पढ़ाई करनी है, मतलब कहने का मतलब ये है, जब दिवाली है बढ़िया से दिवाली मनाओ, पढ़ाई रखो साइड रखो आराम से, दिवाली मनाओ, दिवाली सेलिब्रेट करो बढ़िया से, लेकिन जब दूसरे दिन उठो तो दूसरे दिन फिर पढ़ाई करो अच्छे से, ठीक है। हाँ जी, आओ इस आर्टिकल को पढ़ते हैं दोस्तों, क्या कहता है हमारा ये आर्टिकल। द बिग पुश, बिग पुश है ये, क्या है बिग पुश, यानी बिग फोर्स लगा रहे कहीं पर, देखो रेसी की क्या बिग पुश है। बाइडन विल हैव टू नेगोशिएट, जो बाइडेन को नेगोशिएट करना होगा टू प्रमोट हिज विजन, अपने विजन को प्रमोट करने के लिए, फॉर सोशल सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट चेंज, कि क्या जो बाइडेन चाहते हैं इसको प्रमोट करने के लिए, बताने के लिए जो बाइडेन को नेगोशिएट करना होगा। ओके, इन व्हाट अपीयर्स टू बी अ रश टू फिनिश लाइन, खत्म करने के लिए, फिनिश लाइन करने के लिए क्या चीज है जो जल्दबाजी क्रिएट करती है, बट इज इन फैक्ट द इंटेंशन, वो एक इंटेंशन होती है, आपकी मंशा होती है टू फुलफिल लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसी प्रोमिसेस, जो लंबे समय से प्रोमिसेस थे उनको पूरा करने के लिए। ये है ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टी US प्रेसिडेंट जो बाइडेन सॉट टू पुश थ्रू कांग्रेस ऑन ओमनीबस मेगा बिल, उसमें $1.85 trillion का रुपया रखा गया था फॉर सोशल सिक्योरिटी लोगों के लिए, अमेरिका में रहने वाले लोगों के लिए सोशल सिक्योरिटी में इतना फंड्स, और क्लाइमेट चेंज को लेकर इतना ज्यादा पैसा रखा गया था जिसका इस्तेमाल किया जाएगा सोशल सिक्योरिटी को ध्यान पूरा ध्यान रखने के लिए और क्लाइमेट चेंज को लेकर। ओके, वाइल द इनिशिएटिव सीम्ड टू बी थर्स्ट फॉरवर्ड, अब ये इनिशिएटिव थोड़ा ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी शॉर्टन में कम हो जा रहा है, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा हुआ है इस इनिशिएटिव को लेकर, पॉइंट बताने के लिए क्या हुआ इस इनिशिएटिव को लेकर, कितना स्टेप रह गया, ऑन अ शॉर्टर टाइमलाइन में ये बताना है, सो दैट जो मिस्टर बाइडेन है कुड स्पीक ऑफ हिज डोमेस्टिक एजेंडा अचीवमेंट्स, ताकि वो अपने डोमेस्टिक एजेंडा अचीवमेंट्स है वो बता पाए एट द G20 मीटिंग जो रोम में है, एंड COP26 होने वाली है जो कि स्कॉटलैंड में है। वंस इन अ जनरेशन बिल मतलब कुछ बिल ऐसे होते हैं जो कि हमेशा के लिए काम कर जाते हैं, आगे आने वाले 30 साल 40 साल 50 साल के लिए काम आते हैं। स्पीक्स टू द इशू, जैसे कि कैसे, सच एज प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल प्री किंडरगार्टन, एक्सटेंडिंग एन एक्सपेंडेड टैक्स क्रेडिट फॉर पेरेंट्स, फर्दर रिड्यूसिंग हेल्थ केयर प्रीमियम्स फॉर दोज जो कवर्ड हुए अंडर द ओबामा इरा अफोर्डेबल केयर एक्ट, जब जब जो जो प्रेसिडेंट रहे तब तक उस हिसाब से क्या क्या आया उसके अकॉर्डिंग, रिड्यूसिंग अ वेटिंग लिस्ट फॉर इन होम केयर, बिल्डिंग अ मिलियन यूनिट्स ऑफ लो इनकम हाउसिंग, वर्कर ट्रेनिंग एंड हायर एजुकेशन, इन सारी चीजों में पैसा ही खर्च होता है, इन सारी चीजों को लेकर जो भी स्कीम बनती है उसमें पैसा ही खर्च होता है, तो ये सारे के सारे कवर है जो कि यहाँ पर ये बता रहे हैं कि हमें कवर करने हैं। अब चाहे एक बात बताओ सर, ये हम पढ़ रहे हैं तो ये US मोर है तो हम क्यों पढ़ रहे हैं? हाँ, ये वाली बात आपकी सही है, ये US मोर है तो हम क्यों पढ़ रहे हैं? कोई इसका इंपैक्ट आ रहा है? कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा है, हमने सिर्फ इसे रीडिंग के लिए पढ़ा है, इसके आप पॉइंट्स को लिखने की जरूरत नहीं है। पॉइंट्स में हम तब लिखेंगे जब यही आपके कुछ डिस्कशन आएंगे इस मीटिंग में, चाहे G20 में आ जाए, चाहे COP26 में आ जाए जो कि क्लाइमेट को लेकर होने वाली है। तो बस रीडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, इतना मैंने पढ़ाया, बाकी अब आप पढ़ोगे आगे, दिस इज फॉर योर होमवर्क, इसी को अब आपको पढ़ना, ठीक है, डेटा दिए हो ये अब आप पढ़ोगे, मैं पढ़ाऊंगा दूसरा आर्टिकल, सही है, समझ गए? मुझे बोले जी सर समझ गए हैं, डन, जी सर समझ गए हैं, डन, बढ़िया, ओके, चलो बहुत बढ़िया, रीडिंग, इफ यू रीड अलॉट यू विल लर्न अलॉट, वाह क्या लाइन बनी, इफ यू रीड अलॉट यू विल लर्न अलॉट,
आ जाओ रीड अलॉट में आते हैं, यहां पर पेगासुस पे पहुंचते हैं। पेगासुस में कोई डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या चल रहा है, जरा पढ़ ले रहे, देखना जरा कुछ चीजें आएंगी यहां पर। अभी लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, कोर्ट ने डेट निकाल दी कि अब क्या करो, एक इंक्वायरी कमिटी बैठाई जाएगी, वो कमिटी क्या करेगी, इंक्वायरी करेगी, चेक करेगी कि जो पेगासस वायरस है, इजरायली वायरस, उसको क्या सच में गवर्नमेंट के द्वारा परचेस किया गया था किसी भी तरीके की सबलाइंस के लिए, एंड लेट्स सी ऐसे वाले। अब उसके लिए जरूरत ये थी ना कि गवर्नमेंट क्या करे, कोऑपरेट करे, है ना, लोगों का भरोसा भी गवर्नमेंट पर बढ़ जाएगा, और कि हाँ गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया है, और किया है तो क्यों किया है, नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर किया है, क्या है, तो क्लैरिटी लोगों के सामने आएंगी, सवालों के घेरे में नहीं आएगी गवर्नमेंट। द कोर्ट्स ऑर्डर एंड ऑन पेगासस स्टिल फॉल शॉर्ट, जो कोर्ट का ऑर्डर आया अभी भी वो फॉल शॉर्ट है, फॉल शॉर्ट है मतलब अभी भी उसमें कुछ कमी कमी हो रखी है। क्या ऑर्डर आया था, देखो, फार टू मेनी केसेस हैव बीन डायल्यूटेड, बहुत सारे केसेस क्या है, डायल्यूट कर दिए जाते हैं, डायल्यूट का मतलब डायल्यूट कर दिए गए, वीक कर दिए गए, कमजोर कर दिए गए, विद द अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सटर्नल पैनल्स, कि एक्सटर्नल पैनल का अपॉइंटमेंट किया, अब एक्सटर्नल पैनल है वो कर रहा है, जांच चल रही है, इंक्वायरी, तो केस ना ढीला पड़ गया, डिले होता जा रहा है, ऐसा कई बार होता है, इन टर्न कॉम्प्रोमाइजिंग सिविल लिबर्टीज, यहां पर सिविल लिबर्टीज में फिर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। देखो क्या है, ऑन अक्टूबर 27 द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड एन इंडिपेंडेंट कमिटी टू इंक्वायर इन टू चार्जेस, जो चार्जेस लगे उसमें इंक्वायरी करने के लिए इन्होंने कमिटी अपॉइंट करी, चार्जेस लगे, दैट चार्जेस क्या लगे, दैट द यूनियन गवर्नमेंट हैड यूज द मोबाइल फोन स्पाइवेयर पेगासस, इन्होंने मोबाइल फोन स्पाइवेयर पेगासस को यूज किया है टू इन्वेड, इन्वेड करने के लिए, इन्वेड मतलब आक्रमण करने के लिए, एक्सेस करने के लिए मोबाइल फोन का, और स्तूप मोबाइल फोन में घुस जाएंगे इनटू डिवाइसेस यूज्ड बाय द इंडियन सिटीजंस, ये लगे हैं आरोप चार्जेस, तो इसकी इंक्वायरी के लिए इन्होंने अपॉइंट किया। ओके, द कोर्ट्स डायरेक्शन, जो कोर्ट की डायरेक्शन हैज बीन मेट विद अडल्टेशन एडुलेशन, वो एडुलेशन से बनी हुई है, अब डायरेक्शन ऐसे लग रहा है कि उससे अब ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, वो ध्यान ना देना, बट द टाइम टू सिंग आर पीएंस, बट हम अपने आप को पीएंस करें, मतलब तारीफ तारीफ के जो होते हैं ना, गुड़गाना, गुड़गाना होता है, सिंग आर पीएंस, गुड़ गुड़ गाए जा रहे हैं, जो समय है गुड़गाने का इज नॉट येट हियर, वो अभी नहीं आया है, अच्छा गुड़गाने का समय बाद में आएगा। मच ऑफ द कोर्ट्स डिक्लेरेशंस ऑफ लॉ, ज्यादातर जो कोर्ट के डिक्लेरेशन है लॉ को लेकर ब्रिम विद ब्रायो है, ब्रिम विद ब्रायो का मतलब है कि अभी वो इस तरीके के हैं कि रुके हुए हैं, अभी उनकी तारीफ करना में अभी रुका हुआ है, एंथुसियाज्म में भी रुका हुआ है, इट्स ऑर्डर स्टिल फॉल शॉर्ट ऑफ डिलीवरिंग जस्टिस, क्योंकि इनके ऑर्डर में अभी भी जस्टिस नहीं मिला है। अच्छा फिर क्या मिला है, नो गारंटी स्टिल फेस विद द गवर्नमेंट्स रेजोल्यूट रिफ्यूजल, गवर्नमेंट ने तो भैया सीधे ना मना कर दिया टू फाइल अ प्रॉपर एफिडेविट, कोई प्रॉपर एफिडेविट नहीं फाइल कर रही गवर्नमेंट, ये एफिडेविट का मतलब गवर्नमेंट से पूछा गया कि आप बताओ क्या आपने यूज किया है या यूज नहीं किया, ये किया है तो बताओ, हाँ जी भैया हमने यूज किया, एफिडेविट में लिख के बताओ, नहीं किया तो लिख के बताओ, हाँ जी भैया हमने नहीं किया, गवर्नमेंट ऐसा कोई प्रॉपर फाइल करके नहीं बता रही। इधर कंफर्मिंग, ना तो कंफर्म हो रहा है, या तो कंफर्म हो या फिर डिनाई हो द यूज ऑफ पेगासस, कि पेगासस का यूज किया है, द कोर्ट वन माइट हैव थॉट, जिसमें कोई एक सोच सकता है, वुड हैव इशूड अ रिट कंपेलिंग द स्टेट, जिसमें कोई एक रिट पिटीशन फाइल की गई स्टेट को कंपेल करते हुए टू अड्यूस एविडेंस, की भैया एविडेंस दिखाओ। यार यहां से हमें यह पता चल रहा है कि गवर्नमेंट शायद कोऑपरेट नहीं कर रही है, दिस इज अबाउट द आर्टिकल, और ये आपको पढ़ना है होमवर्क में, समझ गए, थोड़ा सा मैंने आपको पढ़ा तब आपको एक आइडिया मिल गया कि व्हाट द आर्टिकल इज बीइंग बीइंग टोल्ड, बोल बताया क्या जा रहा है आर्टिकल में, अब आप उसके हिसाब से पढ़ेंगे, पढ़ेंगे कि नहीं पढ़े, मेरे को बोले जी सर पढ़ लेंगे, जी सर पढ़ लेंगे हम लोग बढ़िया तरीके से, तो ये रेस्ट में, और मैं ऐसा रेस्ट इसलिए दे रहा हूं, आप जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक आप सीखोगे नहीं, मैं इतना समझाने से क्या, अब आपको एक आइडिया मिल गया कि आर्टिकल में बोला क्या जा रहा है, तो आपके लिए आसान हो जाएगा उसे समझना, ठीक है। आ जाओ अगला, अब इसको भी समझ ले रहे हैं, इसमें क्या बोला जा रहा है, देखो, गेटिंग न्यूट्रिशन बैक ऑन द स्कूल हाई टेबल, मतलब ये सबसे मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए, बैक ऑन द स्कूल ऑन हाई टेबल, बैक ऑन हाई टेबल का मतलब हो जाता है कि अभी प्रायोरिटी में होना चाहिए, प्रायोरिटी में होगी चीजें तभी आपका दोस्तों बन पाएगा, तो प्रायोरिटी में होना बहुत ज्यादा जरूरी है, समझ गए, प्रायोरिटी में होना चाहिए, COVID-19 और अदरवाइज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है नीड टू इंश्योर, उन्हें जरूरत है That school children are nurtured and nourished, कि जो school children है वो nurtured भी हो, nurture होने का मतलब क्या है, पालन पोषण होकर ग्रो भी करें, साथ में नरिश भी हो, उनके पास न्यूट्रिशन वगैरह भी डाइट में हो, ये स्कूल चिल्ड्रन को होना चाहिए, ये किनको 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 ध्यान रखना है, इंश्योर करना है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनको ध्यान रखना है, यानी कि स्कूल्स को ध्यान रखना है। आ जाओ क्या किया जा सकता है, आप जरा इसे पढ़ते हैं दोस्तों बड़े ध्यान से, है ना,
विद कोविड 19 केसेस रिड्यूसिंग इन द कंट्री, कंट्री में कोविड 19 केसेस कम हो रहे हैं, सेवरल एस्टैब्लिशमेंट्स इंक्लूडिंग स्कूल्स आर ओपनिंग अगेन, फिर से वो खुल रहे हैं, व्हाइल द री ओपनिंग ऑफ ऑल स्कूल्स इज ऑन द एनविल, लेकिन जो री ओपनिंग है अभी भी वो इतना पूरे तरीके से नहीं हुई है, लेकिन काफी ज्यादा हो गए हैं, फेस्टिव सीजन आ रहा है अहीड एंड द फैक्ट ये है दैट द चिल्ड्रन आर नॉट येट इन द एम्बिट ऑफ द वैक्सीनेशन ड्राइव, और फैक्ट ये कि बच्चों को अभी भी वैक्सीनेशन ड्राइव में नहीं आ पाए, मतलब सभी वैक्सीन अभी तो अडल्ट में ही ज्यादा फोकस हो रखा है, हालांकि स्टार्ट हुआ है बट अडल्ट में है, आर कॉजिंग एप्रीहेंशन, जिसकी वजह से चिंता बढ़ रही है, वी एज अ सोसाइटी मस्ट फोकस, हमें फोकस करना चाहिए ऑन द न्यूट्रिशन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के न्यूट्रिशन को लेकर, टू इंश्योर ताकि हम ये ध्यान रख पाए कि दे आर आर्म्ड विद गुड इम्यूनिटी, कि वो गुड इम्यूनिटी से मजबूत हो गए हो, आर्म्ड हो पाए हो, एज दे गेट रेडी टू टेक ऑन न्यू चैलेंजेस, जिससे कि नए चैलेंजेस के लिए वो हमेशा रेडी रहे, स्पेशली आफ्टर एमर्जिंग फ्रॉम द कॉन्फाइंस ऑफ द होम्स, स्पेशली तब जब वो घर के बाहर निकले हैं, ज्यादा से ज्यादा कॉन्टैक्ट में बाकी लोगों से आ रहे हैं, तब वो ज्यादा से ज्यादा मजबूत रहे, सेफ रहे। However, it is important to remember, हालांकि ये भी चीज जरूरी important है याद ध्यान रखना, that even before the onset of COVID-19 pandemic, COVID-19 pandemic के शुरू होने से पहले ही इंडिया was facing sufficient nutritional challenges, पहले भी इंडिया को काफी ज्यादा न्यूट्रिशनल चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे थे, पहले भी कर रहे थे, hence इस प्रकार there is a need, जरूरत है टू pivot on children's nutrition, children nutrition को सेंट्रल में लेकर आने के लिए, मेन लेकर आने के लिए, यूजिंग द नोवल कोरोना वायरस पैंडेमिक, नोवल कोरोना वायरस पैंडेमिक का इस्तेमाल करके ध्यान रखो कि भैया पैंडेमिक भी आ गई तो आप और ज्यादा ध्यान रखना है, टू बेटर अंडरस्टैंड, अच्छे से समझा जाए करंट न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को फॉर अ हेल्दी बॉडी एंड माइंड, क्योंकि पहले ना भी ध्यान रखते लेकिन अब तो हमें पता है कि हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड की जरूरत कितनी ज्यादा है, और इसको ध्यान में रखते ही किया जा सकता है। दिस इज अबाउट द आर्टिकल, अभी आप पढ़ लोगे कि नहीं मुझे बताओ, आसान है, तीनों आर्टिकल अब आपको होमवर्क में पढ़ने, मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि आर्टिकल में क्या बोला जा रहा है, और आप इसे आराम आराम से पढ़ोगे तो डेफिनेटली पढ़ पाओगे, खुद से पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड आई वांट यू ऑल कि आप खुद से इसे पढ़े, रेगुलरली पढ़ोगे तो सीख जाओगे दोस्तों बढ़िया तरीके से, है ना, अच्छे सीख जाओगे फर्स्ट क्लास, फिर कहोगे सर हमें तो सीख गए, हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ओके ऐसे सीखना है। चलिए दोस्तों ये हो गया आज का आर्टिकल, उम्मीद करता हूं बढ़िया लगा है आज का सेशन, तो मुझे बताएं, जी सर बढ़िया लगा सेशन, तो हम सीख गए बढ़िया, बस क्लास सीख गए हैं, आप सब लोग अपने अपने फोन में देखो लाइक बटन प्रेस करके मेरे को बताओ, जी सर हम सीख गए हैं, और हम कोशिश करेंगे शाम के 7 बजे एक सेशन करें जो कि एक्टिव पैसिव वॉइस का है, जो कि रह गया था, है ना, एक्टिव पैसिव वॉइस का, मैंने बोला था ना शाम के 7 बजे एक्टिव पैसिव वॉइस करेंगे, वो रह गया था, तो एक्टिव पैसिव वॉइस करेंगे शाम के 7 बजे, और 9 बजे आपका इंग्लिश का सेशन होने वाला है, तो 9 बजे भी हम एक क्लास करेंगे आज, 1 घंटे बाद 9 बजे वाली इंग्लिश वाली क्लास कर लेंगे, ठीक है, आधे घंटे ये सेशन करने वाले हैं, शाम के आधे घंटे आप उस सेशन को भी कर रहे होंगे, बाकी जो क्लासेस एज इट इज चलती रहेंगी आज बढ़िया तरीके से, बाकी हम लोग जुड़ रहे हैं, है ना, 7 नवंबर को जुड़ेंगे, है ना, शाम 7 बजे 7 गिफ्ट्स के साथ, और गिफ्ट्स आप लोगों को दूंगा मैं, देखो क्या गिफ्ट्स होते हैं दिवाली वाले, ये दिवाली सिलेक्शन वाली बनानी है ना, और जो जो जरूरत होती है सिलेक्शन के लिए उन सबका इस्तेमाल करना है, और उनके इस्तेमाल में एक चीज तो ये भी है, आप अगर अनअकैडमी प्लस पर नहीं हो तो अनअकैडमी प्लस पर आकर आप अनअकैडमी प्लस पर पढ़ सकते हो, कैसे पढ़ोगे, क्या क्या चीजें हैं दोस्तों उसमें से, आज है मेरा एक बैच शुरू हो रहा है 3:15 पर, जिसने भी एनरोल नहीं किया है दोस्तों एनरोल कर लेना, इन सारी चीजों में दोस्तों हम यही पढ़ रहे हैं, बेसिक से हाई ग्रामर कॉन्सेप्ट्स, साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगी इसमें, इन सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, आरसी क्लोजेस रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस पैराफिलर्स इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन सेंटेंस कनेक्टर्स, ये सब कुछ हम कर रहे होंगे, बेसिक अप्रोच हम देख रहे होंगे फिलर्स की एंटोनम सिनोनम की वर्ड बेस्ड क्वेश्चंस की, इनको हम कर रहे होंगे, और डिस्क्रिप्टिव भी इसमें करेंगे जो कि प्रीलिम्स के बाद मेंस में आता है, तो बढ़िया चीजें हैं, इसको करना बहुत जरूरी है। अब कैसे आप इसे एनरोल करोगे मैं आपको बताता हूं, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पहला स्टेप, दूसरा स्टेप दोस्तों गोल सेलेक्ट कर लेना, बैंक एग्जाम आपका गोल है, फिर मेरा नाम ढूंढना विशाल परिहार, आप मेरा नाम ढूंढोगे मैं मिल जाऊंगा, मुझे आप फॉलो करना मेरी प्रोफाइल में आना। अब आपको सबसे पहला टैप दिखेगा प्लस, प्लस पर ही आपको मेरा कोर्स दिखेगा, आप उससे टैप करोगे एनरोल हो जाएगा, और स्पेशल की क्लास देखोगे तो फ्री स्पेशल क्लास होती है जिसमें मैं आपके टेस्ट लेता हूं, तो स्पेशल पर टैप करोगे तो आपको मेरी स्पेशल की क्लास मिल जाएगी। अब आपको याद रखना है कभी भी कहीं कोई कोड लगाना है ना क्लास ओपन करने के लिए सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, तो आप इस कोड को लगाओ, टीम एबीपी का कोड है ABP10, ए फॉर अरुण सर, वी फॉर विशाल सर, पी फॉर पुनीत सर, हाँ ABP10 इस कोड को लगाओगे तो क्लास आपकी ओपन हो जाएगी फ्री वाली,
और जब आप सब्सक्रिप्शन लोगे दोस्तों तो आपको ऐसी स्लाइड आएगी। तो इसमें भी आप क्या करना है, यहाँ लिखा है ऐड अ रेफरल कोड। आप यहाँ रेफरल कोड में आप इस कोड को लगाना, सबसे पहले आपने कोड लगाया तो हर मंथ की फी में 10% आपको ऑफ दिख जाएगा। अब जैसे ही आपको 10% ऑफ दिख गया, 12 महीने की फी वाले सब्सक्रिप्शन को आपको चूज करना है। जब 12 महीने के सब्सक्रिप्शन प्लान को आप चूज करोगे ना, तो अभी आपको 4 महीने एक्स्ट्रा दिखाएगा। यार अब आज का पता नहीं, आज एक तारीख है, आज एक बार देख लेना, शायद अगर चेंज हो गया हो, है ना, कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, 30 तक तो ऐसा था, ठीक है, तो आज एक बार और चेक कर लेना इस चीज को। तो बाकी 12 महीने का तो मिल ही रहा है 5850, ये आपकी फी हो जाएगी। आपने सब्सक्रिप्शन प्लान लिया और आपका सब्सक्रिप्शन हो गया डन। और ऐसा नहीं है सब्सक्रिप्शन लेने से सिर्फ आपको मेरी क्लास मिलेगी, 12 महीने तक आपको सारी की सारी वो क्लासेस मिल रही होंगी जो कि आपके बैंक एग्जाम में टीचर्स पढ़ा रहे हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, GA, कंप्यूटर्स, एवरीथिंग आप उसे पढ़ रहे होंगे। बढ़िया तरीके से पढ़ो, फिर कोई दिक्कत समस्या है तो दोस्तों आप जरूर बताइएगा। ये बैच 27 से स्टार्ट हुआ था, जिसमें पुनीत सर, अरुण सर की क्लास स्टार्ट हो चुकी थी, मेरी अभिजीत सर की भी हो गई थी, उसके बाद फिर अब मेरी हो रही है, तो सारी की सारी क्लासेस अब आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। ऐसे करके आप इसे पढ़ो बढ़िया तरीके से, मैं अपने आपको बता दे रहा हूँ, देखो बढ़िया तरीके से पढ़ो फर्स्ट क्लास। कोई दिक्कत आए दोस्तों जरूर जरूर बताना, है ना, मैं हूँ हमेशा। एक अच्छा ऑप्शन दोस्तों आपके सामने यहां पर होता है, आज का डाउट। ये फैसिलिटी दोस्तों प्लस वाले स्टूडेंट्स के लिए, आपने अपना डाउट कम्युनिटी में डाउट भेजा, डाउट भेजते ही आपका क्या हो जाएगा, इस तरीके से डाउट आएगा, विद इन नेक्स्ट 4 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। कितना अच्छी बात है यार, आप आंसर लो तुरंत के तुरंत, फर्स्ट क्लास बढ़िया तरीके से, ठीक है, करिए अच्छे से तैयारी। कोई दिक्कत समस्या है दोस्तों मुझे आप जरूर बताइएगा। बाकी हम इसे खत्म करते हैं सेशन को, बढ़िया लगा, 9 बजे मिलेंगे 1 घंटे बाद, है ना, बढ़िया से इंग्लिश की क्लास हम तब कर रहे होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नाश्ता वाश्ता कर लो फर्स्ट क्लास, मैं भी नाश्ता कर लेता हूँ, एंड मिलते हैं तब, ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत, थैंक यू वेरी मच।